या मैन आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. मैं कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू लुक वेरी नॉर्मल बिकॉज आई सी बेस्ट बॉटल लाइन है. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू वेयर माई बेस्ट. So yeah, that's what we came up with, and a lot of people are here. I'm really excited to meet people. I'm excited to meet a few friends here, and mostly the thing that I'm excited about the most is the awards, obviously. So yeah, see you guys inside. And how much time do you take when you come out for a fashion show? How much time do you shoot? Yeah, honestly, मुझे ज़्यादा वक्त मिल नहीं पाता है क्योंकि मैं usually shooting करके आता हूँ. आज भी मेरा shoot था. So the real decision I take around 9 in the evening. तब जाके मैं decide करता हूँ ठीक है मैं अब ये पहनने वाला हूँ. And this I'm going to do. I have a very good stylist, Saloni. She helps me out with my clothes. उसने मुझे style किया आज. And yeah, it's pretty lucky. And खतरों की लड़ाई की बात करें शिवदीप मैम doing really well. आप किस तरह से देख रहे हो? Are you following खतरों की लड़ाई? Yes, I am following खतरों के खिलाड़ी. And personally, मैंने honestly कल बहुत episodes देखे भी. And yeah, Sridhi is doing very good, that's for sure. She's killing it there, and I saw a few episodes jisme wo bahut hi zyada acha kar rahi hai. She's slacklining with the snake and everything, which is very cool. I am sending all my love and wishes to her. I hope she wins the show because she has the potential. Apart from that, who do you think is a good contender, good player to win the title? My top three, we talk about, I really like Tushar. He's a very fit person, and I've heard good about that he's doing pretty good in the show. So first Tushar, second I hope Faizu does really well. Faizu mujhe acha lagta hai kafi. Faizu and there's Siddhi obviously. And show ki main baat karu just Ranji fall down, kitne karne kuch dikhne milega aage. यार टर्न एंड ट्विस्ट तो काफ़ी देखने को मिलेंगे क्योंकि हमें भी हर दिन जाके नया टर्न और ट्विस्ट दिखाई देता है. सो यस, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. काफ़ी चीज़ें अब रांची के हित में होने वाली है जो देख कर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी. एंड कीप वॉचिंग स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने शो ऑर्गेनाइज़ किया है मैम खड़े हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाए और मुझे यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं मुझे फिटनेस मॉडल से. और अभी अलहमदिल्ला रिसेंटली मैंने एक जिम भी ओपन किया है, और बहुत ही जल्द मेरे बर्थडे से पहले इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा हमारा खुद का एक प्रोटीन ब्रांड भी आएगा इंशाल्लाह. देखो फिटनेस तो हम लोग बहुत टाइम से प्रमोट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए. फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, और बस. बेस्ट विशेज है उसकी हमारे हम लोग की साथ में उसके हमेशा, और इंशाल्लाह जीत के आएगा वो. हम लोग को पता है कि वो टास्क में कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि जितने भी सब एकदम हार्ड वर्किंग और फिट है, और टास्क की बात आ जाती है तो फिर वो तो अपना 100% देगा. अभी रिसेंटली मैं गया था तो तीन गाने शूट किया था मैंने 24 आवर्स में. 24 घंटे में तीन गाने शूट किया था मेरे छोटे भाई का, जिसमें से एक आ चुका है और दो गाने बचे हैं, और मेरे बर्थडे से पहले वो दोनों भी आ जाएंगे. गाने का नाम तो रिवील नहीं हुआ है, मगर हाँ मेरे बर्थडे से पहले हमारा जो NGO था जिसके बारे में मैं इससे पहले जिक्र किया था जिम के टाइम पे, तो NGO हमारा मेरी बर्थडे से पहले आप लोग को ऑनर हो जाएगा. उसका नाम मैं बताया था लास्ट टाइम, प्योर डीट्स नाम है. सभी अच्छा खेल रहे हैं. जन्नत जो कि सबसे छोटी कंटेस्टेंट है, पर उसका भी गेम मालूम पड़ रहा है कि सब उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म कर रही है, तो सभी अच्छा कर रहे हैं वैसे. और जन्नत की तो बहुत तारीफ सुन रहे हैं.
मैं तो मेरे भाई का ही नाम लूंगा, मुझे तो लगता है फैसल जीतेगा। थैंक यू, थैंक यू। क्या लग रहा है? नहीं, दीपक कलाल नहीं यार, एसो स्पेस में था ना, दीपक ठाकुर। बहुत अच्छा लग रहा है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड अ डेकेड, एक डेकेड पहले, मतलब 10 साल कम 20 मैंने स्टार्ट किया था, जब से 18 टाइम हुआ था वर्कआउट, और आज मुझे फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहो, और खाली मेरे वीडियोस देखो मत, आप भी फिट रहो, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, और अपने घर वालों को भी फिट रखो। बहुत सारा प्यार, ये अवार्ड जाता है आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना, और मच मोर टू कम इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आता है। फैशन शो में आके हमेशा बहुत अच्छा ही फील होता है, क्योंकि हम फैशन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा डे टू डे का काम ही फैशन है, तो आके बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने ही सराउंडिंग में हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरा बर्थडे कल है, हाँ जी कल है, हाँ वो मैंने बच्चों के साथ केक काट विश किया, क्योंकि बर्थडे के दिन अपनी फैमिली के साथ होते हो, तो कल मेरा बर्थडे है, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुपर एक्साइटिंग, बहुत सारे नई नई चीज़ें हैं जिसको मैंने सोच के रखा है, और वो मैं करने वाली हूँ। गाना रिलीज़ पे है, स्टीमिंग हो रही है मेरी सीरीज़, शूट पे जा रही हूँ नए, तो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर सुपर हैप्पी। I just felt that, you know, I was so many days I'm wearing black, so I was feeling like super good. Yeah, black बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे पहनना। खतरों के खिलाड़ी में मेरे दो फ्रेंड गए हैं, और मेरी हमेशा उनके लिए विशेष है, मेरी टेक्स्ट वेक्स में बात होती रहती है उनसे, बहुत अच्छा लग रहा है, और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, मैं इस शो देखा नहीं है तो मैं बता नहीं सकती कि कौन जीतेगा, बट जो डेफिनेटली जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल, सॉन्ग मेरा रिलीज हो रहा है कल, और 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो रिलीज हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ सॉन्ग के लिए, क्योंकि इस बार मैंने हॉट नंबर किया है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और सीरीज़ मेरी स्ट्रीमिंग हो रही है जी पे, आप लोग प्लीज़ देख सकते हो, ग्रे इज़ द कलर विद आफ्ताब शिदसानी ऑलरेडी है। नेक्स्ट मंथ और एक सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जो हॉरर है, और जिसके लिए मैं और भी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। करीना कपूर को थर्ड बेबी आने वाला है, शी इज प्रेग्नेंट, या मेरी एक बार शादी नहीं हो रही है, एक बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन कर रहे हो कि करीना कपूर का थर्ड बेबी, मुझे सीरियसली सोचना चाहिए, नहीं लग रहा है मुझे कि अब मुझे भी एक बॉयफ्रेंड, शादी, तीन तीन बच्चे, मेरा एक भी नहीं है। यस आई एम फोकसिंग माई करियर, बट उसका करियर सेट हो चुका है, इसलिए शायद उसके 3-4-5 3 ज़्यादा हो गया यार, मेरा एक भी बेबी नहीं है। थैंक यू। फैशन शो में आए तो डेफिनेटली कुछ मैं लुक्स देखने के लिए आया, इट इज़ द प्राइड ऑफ द फैशन शो एज ऑलवेज,
so I'm quite excited to go inside. हाल ही में आपने खिताब जीता था, पहले तो दर्शक वो जानना चाहेंगे उस खिताब के बारे में, एंड कितनी खुशी है उस खिताब को हासिल करने में? जो खुशी जितनी बताई जाए उतनी कम है, ठीक है. एंड द टाइटल इज इट्स मैन ऑफ द वर्ल्ड, सो इट रिसेंटली हैपेंड इन फिलीपींस. सो विथ मी देयर वर अदर 30 कंट्रीज हु पार्टिसिपेटेड. And with God bless and all of the love that we got, India got the title for the first time. So yeah, this happiness is never gonna end. And how do you see your future? Like, what do you have planned for your future ahead? See, I have been telling this to everybody. Like, I have been an entertainer in my life. Whatever work I have done just to entertain people. And till the end of the life, it's just gonna be the same. Sir, आपका कुछ upcoming project? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो आ रहा है, एक मूवी आ रहा है जिसके बारे में बोल नहीं सकते, एंड डेफिनेटली इट विल बी फॉर कांस अगेन, सो श्योरली वी विल रिवील इट सून एंड टिल देन थैंक यू सो मच. एक विजुअल से आप ही कर लेंगे. आशीकरण सामने, डन, एक सेकेंड, डन 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 नहीं बोलते तो भी मैम इधर है ही नहीं इधर करेंगे. Well, I think काफ़ी सालों बाद, काफ़ी टाइम बाद आई हैव बीन टू एन अवार्ड फंक्शन. So yes, I'm very happy for it and very excited to attend. And what you are wearing today? Tell us something about your look. It is like a white gown and like a butterfly patch on it. I'm wearing it. And recently you met Varun Dhawan. People are excited. People are saying that you guys are going to do some project together. Is it true? Tell us something about the meeting and all. Not exactly like that. It was just, I think his film, you know, recently came, so we met for that. And what do you want to say about Khatron Ke Khiladi? There are so many people out there. Jannat is there, Faizu is there. Any of your friend went for Khatron Ke Khiladi? I am not exactly watching Khatron Ke Khiladi right now. I am not watching it. I have no clue. And what do you want to say about your upcoming projects? Is there anything in the pipeline? Year end details will be out soon, very soon, for sure. Excited to watch it and waiting for everybody to come and every episode, each and every episode, waiting for it. Thank you so much. हाँ जी, तो कैसे मिजाज है सभी के? आ गए हैं हम लोग आज अपने पिताजी को लेकर आए हैं, जो हमने भी एक फ्लैट शिफ्ट किया है. तो मैंने कहा यार, जो एक हमारे घर के जो अन्नदाता हैं हमारे, मैंने कहा मेरे चांद वो मेरे साथ ही होने चाहिए जहाँ पर भी मैं जाऊँ. शहजादा, शहजादा, शहजादा.
क्या सीन, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? लेट तो नहीं हुआ ना? इतना ट्रैफिक है यार बाहर, क्या अमर भाई? देखो यार, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये जो सौम्या सिंह जी का ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये शो, बहुत ही ज़्यादा IFW गोवा का जो भी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अद्भुत ही होगा, क्योंकि लोगों ने पहले भी जो शोज़ बनाए हैं बहुत ही अच्छे बनाए हैं, और आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एकदम प्रॉपर फैशन के मूड में आए, तो आज एकदम लव अलव काम कर ही दे। क्या बोलते हो, सही लग रहा हूँ? ओके थैंक यू। बूम बाम, सही नहीं बोला? बूम बाम, बूम बाम। सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू। और अब क्या बोले, एक प्रतीक सेज पर एक ही बंदे को सपोर्ट करता हूँ मैं तो स्टार्टिंग से, वो अब जीतेगा कौन ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, जो बेस्ट खेलेगा, जिसको जो जनता का दिल जीतेगा, और साथ में गेम्स भी अच्छे जीतेगा। और मैं देख रहा हूँ चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, बहुत टफ है इस बार, कुछ लोगों को चोट भी लगी है शायद, लोगों को क्रोकोडाइल वाला जो टास्क था उसमें बहुत ज़्यादा टफ है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, तो अगली बार नामुमकिन को मुमकिन करेंगे, उमाम जाके करेगा अगली बार इंशाल्लाह, ऊपर वाले ने चाहा तो। रिसेंटली सारा जी ने अपने बॉयफ्रेंड का आके खुल के बोला है उनके बारे में, आप किस तरह की विशेष देना चाहेंगे? देखो यार, मैं तो खुद, मुझे शांतनु बहुत अच्छा लगता है, वो एक्चुअली क्या पायलट है, तो वो जो हवा में उड़ान भरते हैं ना, उनको लैंड हम करवाते हैं तो वो अच्छा इंसान है, इंसान बहुत अच्छा है, और वो जोड़ी बहुत अच्छी है, और प्यार करते हैं एक दूसरे को, और क्या चाहिए जिंदगी में यार। एंड लाइक नाउ शिवम, किस तरह के प्रोजेक्ट आप देख रहे हो आने वाले समय में, क्या कुछ देखना चाहते हैं, हम किस तरह आपको देख पाएंगे? अभी एक शो, अभी मैंने बताया लास्ट टाइम कि एक नया शो आ रहा है, उसमें कास्टिंग चल रही है, शॉर्टलिस्टेड हो रखी है चीज़ें, और बाकी सारे लोग भी, जो बाकी कास्ट है वो हो रही है फाइनल, तो धीरे धीरे आपको सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है, धीरे 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 धीरे, अभी धीरे धीरे होगा सब, जो होगा ऊपर वाले की रहमत है। बहुत, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं अवार्ड आया, मैं पापा को मैंने स्पेशल बुलाया, मैं कहा पापा आप तो आ जाओ, एक अवार्ड और मिल रहा है, बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आपको आना है। पापा आ गए हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू, मिलते हैं। कहते हैं कि बंद मुट्ठी है हाथ कुछ भी नहीं, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, तेरे बदले जो ये कायनात मिले तो ये कायनात भी कुछ नहीं। सर फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रॉफी, आपने क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आई फील वेरी एनकरेज, मैंने वहाँ रिसीव एन अवार्ड, सो थैंक यू डायनामाइट मोस्ट वर्सेटाइल परफॉर्मर एंड एक्टर ऑफ द ईयर 2022, आई फील एनकरेज बेस्ट। Well, I just feel I'm blessed, and I'm living a blessed life. Her actor, वो एक trophy जो होती है, award जो होता है, वो एक encouragement देता है और better बनने की, you know, और मेहनत करने की एक encouragement मिलती है trophy से, एक award से. So yeah, I just take it as an encouragement tool for myself. अरे यार नो कॉमेंट्स, लास्ट टाइम मैंने कुछ कॉमेंट कर दिया था किसी एक्टर के बारे में, हेडलाइन डाल दी थी कि मैंने ऐसा कॉमेंट कर दिया, वैसा कॉमेंट कर दिया, तो मैं किसी भी एक्टर के बारे में कॉमेंट नहीं करना चाहता। उसके बारे में और आने वाले समय में क्या कुछ आपके किरदार में देखने मिलेगा? यार शो में काफ़ी ट्विस्ट आए, टर्न्स आए, क्रिएटिव चेंजेस आए, शो लीप लिया है शो ने, अभी और इंटरेस्टिंग होगा। हमेशा कोशिश मेकर्स की और हम एक्टर्स की यही रहती है कि और मेहनत करें और प्रोजेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाए और एंटरटेनिंग बनाए, ताकि लोगों को मज़ा आए देखने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी जी।
ठीक है मैं समझ गया। हाँ जी शरद पहले कहेंगे ये थोड़ा सा लेट आए हैं सो थोड़ा नहीं मैं बहुत लेट आया हूँ एक्चुअली सो सॉरी बट अभी जो है फिलहाल मैं एक्चुअली कहीं पे फंस गया था और मैं बार बार मैं इन्हें परेशान कर रहा था जो यहाँ ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने परेशान कर रहा था कि मैं बारिश बहुत हो रही है मैं जब तक आऊँगा शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा बट उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है बट वेरी वेरी स्वीट ऑफ देम एंड मैं और चरण हम दोनों और जितने भी लोग हैं यहाँ पे हम जस्ट आए हुए हैं सपोर्ट करने डॉक्टर यास्मीन शेख आई थिंक जस्ट हमारे यहाँ कुछ मित्र हैं कुछ दोस्त हैं आई थिंक वेरी वेरी प्रिटी डॉक्टर वी हैव टुडे यार जी तो बताइए आप मतलब हम तो बस आपको सपोर्ट करने आए और क्या यहाँ पे बारिश और सब में गड्ढों को वही बोल रही थी मैं थैंक यू सो मच आपकी बारिश में भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं ये सबका प्यार है आपका सपोर्ट है नहीं नहीं यार डॉक्टर्स के लिए और एनी काइंड ऑफ गुड कॉज के लिए आई थिंक बोथ बोथ ऑफ अस आई थिंक ऑल ऑफ अस वी ऑलवेज देयर सो जी सर अपना हाल ही में उसके बारे में हम आराम से करेंगे यहाँ डॉक्टर खड़ी है आप मुझे किसी और के बारे में पूछ रहे हैं बाकी जितने पेशेंट्स हैं उनके आराम से हम बात करेंगे बट आई थिंक राइट नाउ कंग्रेचुलेशंस आपने आई एम श्योर यू पुल्ड ऑफ अ ग्रेट शो Yeah, the show was awesome. Yeah, okay. Sharad ko main thoda sa brief kar deti hu. Andar bahut kuch hua. And there were a lot of models, kids the, bade log the, there were guys around. So it was an amazing fashion show. Jisme winners bahut maza kar rahe hain. They're very happy. Jo bhi hain, unko congratulations. Congratulations to all the winners. Hamari taraf se. Definitely, agli baar koshish karenge. Matlab main koshish kar raha hu, main try kar raha hu. So thank you so much. Nahi, aap aaye wo bahut badi. Thank you, thank you. Thank you guys, thank you so much. And congratulations, Dr. चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे बेसिकली जो हमारी जो डॉक्टर यास्मीन शेख हैं और हमारे कुछ मित्र हैं उन्हें सपोर्ट करने आया हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कहीं फंसा हुआ था और बहुत बारिश हो रही है और सबको पता है कि बॉम्बे की जो हालत है अभी बट फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपने लोग होते हैं उन्हें सपोर्ट करना उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि कोई भी अच्छे कुछ कॉज के लिए करे या इंटरटेनमेंट के लिए करे अगर आपके पास वक्त हो तो डेफिनेटली वक्त निकालिए और आइए और उनका साथ दीजिए सो बस मैं उसी के लिए आऊँ और मुझे आप लोगों से साथ मेरा मिलना हो जाता है क्योंकि मैं हार्डली बहुत कम निकलता हूँ सूट्स में आप लोग मुझे अक्सर देखते हैं ऑन फ्लोर देखते हैं बट ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं ऐसे नॉर्मली आता नहीं हूँ बट हाँ अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हो गई है डॉक्टर प्लीज़ डॉक्टर यास्मीन शेख जो है आई एम श्योर शी इज़ पुल्ड ऑफ अ ग्रेट शो आप कुछ बताइए मतलब क्या एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या था करने का नहीं नहीं मैं आया हूँ लेकिन ये करने का रीज़न कि आपने ऐसे ही कुछ ये करने का रीज़न ये था कि जो बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिनको ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है और जो रैंप वॉक हम उनको दिए हैं जो प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया है एक उनको उसमें से कुछ सीखने मिला है और इसमें हमने एक अचीवर अवार्ड भी रखा है जो अपनी लाइफ से स्ट्रगल करके अपने आप को एक खड़ा करना जैसे मैं स्ट्रगल करके आज मैं इस मुकाम पे हूँ आज सर जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे मेरे लिए इतना टाइम निकाल दिया है उन लोगों को अवार्ड देने के लिए हमने अचीवर अवार्ड भी रखा था तो बेसिकली बहुत ही जैसे मैंने आपसे कहा कि इट्स फॉर अ गुड कॉज एंड आई एम श्योर आपने सोच के कि
ये अवार्ड्स किए हैं या ये शो किया है कि लोगों को कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिले एंड डेफिनेटली एक एक स्टेपिंग स्टोन हो. हम सबको लाइफ में कभी ना कभी एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक इंकरेजमेंट चाहिए होती है, एक पुश चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है, जो आई एम श्योर डॉक्टर आपने प्रोवाइड किया आज. सो ग्रेट, इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर जितने भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आई एम श्योर दे विल बी वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल. वाओ फैंटास्टिक, सो थैंक यू सो मच जी. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट नाइट. थैंक यू. Please, please.